किसी को एक नॉर्मल बॉडी बनानी है तो क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? BCAA जो बोलते हैं BCAA, उसका जरूरत नहीं है ड्यूरिंग वर्कआउट, okay. वो एक मार्केटिंग क्लिमिक है, इसलिए हाँ. वो BCAA बना है. नॉर्मल आदमी को फिट रहने का है, तो उसमें कितना घंटा या कितने मिनट एक्सरसाइज करना है, क्या डाइट करना है और रेस्ट कितना लेना है? कोई कोई लोग अभी क्या करते हैं, फैट लॉस करने के लिए ज्यादा भी कर रहे हैं वर्कआउट, जैसे दो दो घंटा तीन तीन घंटा जिम में पड़े रहते, वो गलत है. वन आवर इज इनफ. आजकल जिम करते वक्त लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, लोग अचानक डिजीनेस लेके गिर जा रहे हैं, किसी को ब्रेन माइग्रेन हो रहा है, तो ये सब कैसे जिम करते वक्त हो रहा है? जैसे कि आमिर खान ने किया है दंगल में, आपने ऋतिक रोशन को देखा होगा उसके ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट स्टेरॉइड्स हो सकता है क्या? नहीं नहीं, वो विदाउट ये नहीं है एक्चुअली, वो यूज करते हैं और वो बताते नहीं वो लोग, क्योंकि उनको पैसे बाहर बोलेंगे स्टेरॉइड लेके किया है, इसलिए वो भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हाँ मैंने लिया है करके. स्टेरॉइड्स सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को लेना चाहिए कि कोई भी नॉर्मल आदमी ले सकते? नॉर्मल इंसान ने तो यूज करना नहीं चाहिए स्टेरॉइड. मैं तो मोस्ट ऑफ स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन बेस्ड होते हैं, जो अपना मेल हार्मोन रहता है, ओके okay, जो टेस्टिकल में तैयार होता है. हार्ट अटैक आ सकता है कभी भी, एक्ने आता है बॉडी पे, किडनी फेल्यूर, लीवर फेल्यूर या इम्पोर्टेंस आ सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है. तो फिर क्यों लेते हैं लोग? दिखाने के लिए. पहले इतना स्टेरॉइड का ये नहीं था, पहले कैसे यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं था, अभी यूट्यूब आया है, तो आजकल के यंग जनरेशन क्या कर रहे हैं कि हाँ मेरे को भी ऐसा बॉडी बनाना है, इसके वजह से वो ले रहे हैं. हम देखते हैं जिम में 1000 लोग जाते हैं, तो उसमें से हार्डली 10 लोगों की बॉडी शर्ट के ऊपर से दिखती है. तो अभी एक अच्छी बॉडी होने के लिए अंदाजन कितने साल लगते हैं? आदित्य सर, जिम चालू करने का सबसे सही एज क्या है? एज ऐसा, मैंने तो 10वीं में चालू किया था, ऐसे 10वीं मतलब 10वीं में जिम चालू किया था प्रॉपर, लेकिन वर्कआउट में पहले 8वीं से ही कर रहा था. तो एज क्या होगा? प्रॉपर एज वही एज ठीक है, 18 साल करेगा तो भी ठीक है, मतलब 16-17 साल से चालू कर सकते हैं. ऐसा मतलब हार्डकोर जिम नहीं है ऐसा, स्टार्टिंग में आपको हार्डकोर करने होगा ही नहीं ना. हाँ. पहला कैसा रहेगा? हाँ. नॉर्मल जो वर्कआउट्स बेसिक वर्कआउट रहेगा वही रहेगा स्टार्टिंग में. मतलब मशीन्स के ऊपर पहले आ सकते हैं क्या? मशीन्स के ऊपर आ सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ. अगर कोई नया बंदा आता है और डायरेक्ट मारना चालू करता है गलत है वो. ठीक है, लेकिन ऐसे सुनने में आया है कि 16-17 साल में जनरली लड़कों की तो हाइट अचानक बढ़ती है, तो उस वक्त जिम करना गलत है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा गलत नहीं होता, क्योंकि अभी मेरी हाइट भी बढ़ी है. हाँ, 6'1" है मेरा. हाँ, अभी. लेकिन मैंने पहले ही चालू किया है 16-17 साल, तो देर किया. तो इसका मतलब जिम करना फायदेमंद ही होता है हाइट बढ़ने के लिए भी. लेकिन जो वर्कआउट करे वो कौन सा वर्कआउट करे वो डिपेंड है. अगर कोई वर्कआउट कुछ भी कर रहा है गलत चीज़ तो वो गलत होगा ना. बराबर, यानी कि उस एज में तो कम से कम गाइडेंस के साथ ही वर्कआउट करें. एज उस एज में, बाकी एज में भी गाइडेंस लेना चाहिए. अच्छा, तो गाइडेंस लाइफ टाइम लेते ही जाना चाहिए, गुरु के बगैर जिम करनी नहीं चाहिए. लेकिन अभी बहुत सारे लोग जिम में जाने की वजह से, ऐसे सुनने में आया कि हार्ट अटैक से या ब्रेन माइग्रेन से मर रहे हैं. जैसे कि अभी रिसेंट सेलिब्रिटी सिद्धार्थ शुक्ला भी, जिनकी बॉडी इतनी अच्छी थी, फिजिक इतना अच्छा था, फिर भी उनकी डेथ हो गई जिम में. जी में बराबर. तो ये किस वजह से हो रहा है? मेन रीज़न तो उनका स्ट्रेस उनको ज़्यादा है. डाइट तो प्रॉपर लेते रहेंगे, स्ट्रेस नहीं जाना रहना चाहिए. जितना ज़्यादा आदमी ऊपर रहता है उतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है आदमी को. ओके, बराबर. तो उनको स्ट्रेस ज़्यादा है, इसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा रहता है ना, तो इंसान प्रॉब्लम हो जाता है उसको. मतलब आप बोल रहे हो कि मेंटल स्ट्रेस होने की वजह से, मेंटल स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस दोनों होता है आजकल ज़्यादातर, दोनों स्ट्रेस. तो वो तो हर आदमी को है, तो फिर जिम तो हर आदमी नहीं जाना चाहिए क्या? ऐसा नहीं है, हर आदमी ने जिम जाना चाहिए. जिम जाना चाहिए, लेकिन एक गाइडेंस के साथ और प्रॉपर वे में जाना चाहिए. ओके. उनका ऐसा नींद भी पूरा नहीं, जैसे जिम करने के लिए वर्कआउट करने के लिए तीन चीज़ें, जैसे कि वर्कआउट है, डाइट भी है और रेस्ट भी चाहिए. हाँ. तीनों चीज़ प्रॉपर चलेगा तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपको. बराबर. इसमें से एक भी अगर रेस्ट नहीं मिला आपको तो भी गलत हो सकता. बराबर. लेकिन हार्डकोर बॉडी बिल्डर्स जैसे रॉनी कोलमैन आप देखोगे. हाँ. तो उनकी भी आप अभी हालत देखो. हाँ. तो इससे तो अच्छा मैं कहूँ जिम करना ही नहीं चाहिए. नहीं नहीं, उन्होंने कैसे, वो बॉडी बिल्डर्स है. बॉडी बिल्डर्स पूरा अलग चीज़ होता है, फिटनेस अलग है, बॉडी बिल्डिंग अलग है. ओके. फिटनेस मतलब आप फिट होने के लिए वर्कआउट करिए. वो बॉडी बिल्डर जो है वो एक परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हैं, मतलब वो वहाँ पर स्टेज पे उनको परफॉर्म करना है. यानी कि वो अलग स्पोर्ट्स लेवल पे लेवल पे वो मतलब एनहांस रहते हैं. ऐसा नहीं कि वो नेचुरल, मतलब नेचुरल भी रहते हैं बॉडी बिल्डर. हाँ. लेकिन वो नेचुरल नहीं रहते हैं. अच्छा. इसके वजह से उनको साइड इफेक्ट्स भी होता है उसका. बराबर. लेकिन रॉनी कोलमैन को एग्जैक्टली हुआ क्या था? उनको बैक इंजरी का प्रॉब्लम हुआ था लास्ट में, मतलब हेवी वेट से वगैरह और बाकी भी बहुत सारे इश्यूज थे उनको. और ये बैक इंजरी, जब आप रोज बैक की एक्सरसाइज करते हो तो बैक इंजरी कैसे हो सकती है? नहीं, रोज बैक की एक्सरसाइज वो तो नहीं करेगा. ऐसा हेवी वेट, उनका वेट कितना लेग प्रेस का होता है 1000
केजी के आसपास उनका लेग प्रेस था तो okay. इतना हैवी वो करते थे लेग प्रेस 600 kg का स्क्वाट्स था उनका केजी में स्क्वाट्स का तो उसका उतना वेट बॉडी का मसल था उनका पावर था लेकिन बाद में धीरे धीरे एज के बाद उनका स्ट्रेस बढ़ता था ऐसे तो आपका ये कहना है कि बॉडी बिल्डिंग का भी कोई एज होता है यानी कि आप किसी एज में बॉडी बिल्डिंग बंद करके योगा की तरफ जाओ हाँ। या वॉक करो ऐसा भी है अच्छा एक्चुअली क्योंकि इतना हैवी कंटिन्यू आप नहीं कर सकते ना एक एज के बाद आप अपना 30 के बाद अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाता है धीरे 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 मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है हाँ। तो सेम ताकत सेम पावर से हम लोग वर्कआउट नहीं करवाएंगे बाद में 30-40 भी कर सकते हैं लेकिन धीरे धीरे अपना लाइट वेट करके धीरे धीरे योगा वगैरह कर सकते हैं ये आप नॉर्मल आदमी के लिए बोल रहे हैं हाँ नॉर्मल इंसान लेकिन बॉडी बिल्डिंग की भी कैटेगरीज होती हैं हाँ मतलब एज लिमिट्स होती हैं वेट लिमिट्स होती हैं वो भी होती है हाँ तो बॉडी बिल्डिंग भी 40 के अबो भी होता है 40 के अबो भी होता है तो फिर लेकिन अभी कोई अभी इंसान कोई भी आया अभी स्टार्टिंग अभी एज उसका 35 हाँ वो डायरेक्ट 40 के इसमें नहीं खेल सकता ना क्योंकि वो पहले से वर्कआउट नहीं कर रहा है बराबर वो पहले उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है उसका फैट लेवल कैसा है वो देखा जाएगा पहले उसके बाद वो खेलेगा जो 40 प्लस में खेल रहे हैं वो पहले से ऑलरेडी बॉडी बिल्डर है okay. जो खेल चुके हैं पहले okay. ऐसा नहीं कि वो आया बंदा अरे अभी वर्कआउट चालू किया 40 में और तुरंत अभी खेल रहा ऐसा नहीं है वो okay. पहले से खेल रहे हो okay. ऐसा है तो अभी एक अच्छी बॉडी होने के लिए अंदाजन कितने साल लगते हैं हर एक का स्ट्रेंथ अलग रहता है हर एक का जेनेटिक्स अलग रहता है okay. उसके ऊपर लगता है कि कितना टाइम लगेगा ऐसा लेकिन फिर भी एवरेज टाइमलाइन आप दे सकते हैं क्या सबका मिला के सबका मिला के ऐसा टाइमलाइन तो नहीं दे सकता वन ईयर पकड़ के चलो टू ईयर पकड़ के बॉडी मतलब कैसा बॉडी बनाना है वो भी डिपेंड है क्या मतलब बॉडी बिल्डर बनना है कि नॉर्मल बॉडी बनाना है नॉर्मल बॉडी और बॉडी बिल्डर में क्या फ़र्क है एग्जैक्ट बॉडी बिल्डर मतलब सिक्स पैक पूरा ह्यूज शोल्डर्स बैक चेस्ट ऐसा वो बॉडी अलग है हाँ। फिटनेस के लिए बॉडी मतलब नॉर्मल बॉडी जैसे कि तुम फिट हो हाँ। पेट पे फैट नहीं है हाँ। नॉर्मल सिर्फ मसल है थोड़ा हाँ। बहुत फैट तो रहेगा ऐसा हाँ। नहीं कि पूरा फैट निकल जाएगा हाँ। नेचुरली हाँ। तो ऐसा बॉडी तो वैसी बॉडी और बॉडी बिल्डर बॉडी ये जो दो बॉडीज टाइप आपने बताई तो इनके लिए दोनों के लिए कितना कितना साल लगेगा एक नॉर्मल आदमी के लिए अभी दोनों को बनाने के टाइम लाइन मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डर का अलग ही है पूरा स्टेज अलग है उसका हाँ वो बॉडी बिल्डर पहले डायरेक्ट नॉर्मल वर्कआउट करेगा वेट ट्रेनिंग करेगा उसके बाद वो एक लेवल पे जाके कुछ ना कुछ स्टफ यूज़ करेगा उसके बाद उसका स्टेज परफॉर्मेंस रहेगा ऐसा नहीं कि नेचुरल बंदा रहेगा वो नेचुरली बॉडी बिल्डिंग करेगा ऐसा नहीं कि वो यूज़ करेगा कुछ तो टाइम लाइन कैसा रहता है बॉडी बिल्डर को जितना टाइम लगेगा उससे नेचुरल को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन होगा नेचुरल से भी ये स्टफ लेगा मतलब स्टफ क्या लेते हैं स्टफ मतलब वहाँ बहुत सारे स्टफ रहते हैं गेनिंग के स्टफ रहते हैं कटिंग के स्टफ रहते हैं मतलब ये आप प्रोटीन पाउडर्स की बात कर रहे हैं स्टेरॉइड्स रहते हैं लेकिन स्टेरॉइड्स लिए बगैर फिर आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो क्या कर सकते हैं लेकिन एक लेवल रहता है उसका उसके आगे नहीं बढ़ सकते एक लेवल तक मतलब एकदम ओलंपिया या मिस्टर इंडिया वगैरह नहीं खेलते जो जो आज स्टेज पे है मतलब हाँ, बड़े बड़े स्टेज पे हाँ, वो सब लोग यूज करते हैं स्टेरॉइड्स लेना नेसेसरी हाँ, नेसेसरी मतलब हाँ, हाँ यही एक स्पोर्ट्स है जिसमें स्टेरॉइड्स अलाउ करते हैं हाँ, क्योंकि बाकी किसी स्पोर्ट्स में तो अलाउ नहीं करते यहाँ पर कैसा टेस्ट नहीं है ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं होता है बड़े कोई कोई कॉम्पिटिशन में होता है जैसे नेशनल कॉम्पिटिशन कोई ये करते हैं मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं तभी ब्लड टेस्ट होता है लेकिन उसमें भी चीट कर सकते हैं लोग क्योंकि पहले स्टेरॉइड्स बंद करके बाद में ब्लड में नहीं दिखा ऐसा दो एक दो महीना आगे पहले यूज़ करते हैं स्टेरॉइड्स बाद में बंद करते दो तीन महीने के बाद वैसे भी निकल जाता है तो वो ब्लड में तो ही नहीं मिलता स्टेरॉइड्स तो वो नेचुरल भी खेल सकते ऐसा नहीं कि नेचुरल मतलब वो नेचुरली खेल रहा है ऐसा बोल नहीं सकते ओके अभी इंस्टाग्राम पर भी देखा रहेगा सब नेचुरल डालते हैं इन्फ्लुएंसर वगैरह तो वो ऐसे दिखा नहीं लेकिन नेचुरल है करके मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअली चोरी छुपे सारे मोस्ट ऑफ क्योंकि मिसगाइड करते हैं क्योंकि इतना जल्दी तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है बिना स्टेरॉइड्स के कर सकते हो लेकिन इतना फास्ट नहीं हो सकता है ओके बराबर ये स्टेरॉइड्स किस फॉर्म में लिए जाते हैं कैप्सूल्स के फॉर्म में इंजेक्टेबल रहता है टैबलेट्स रहते हैं और ये नॉर्मल कहाँ मिलते हैं दो नॉर्मल ये मिलते हैं ब्लैक ग्रे मार्केट में मिलते हैं ट्रेनर्स के पास मिलते हैं कॉन्टैक्ट्स रहते हैं वैसे मिल जाते हैं मतलब नॉर्मल मेडिकल में जाके नहीं बोल मेडिकल में बोल सकते लेकिन वो फॉर्म नहीं मिले मेडिकल में भी यूज़ होता है उसका लेकिन उसका स्ट्रेंथ अलग रहता है ओके ऐसा है मतलब तो किसी नॉर्मल बंदे को अगर वो लेना है तो इज इट एडवाइजेबल कि लेके फिर खुद से काम करें ऐसा नहीं 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 उसका गाइडेंस चाहिए ऐसा डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते तो कौन सा डॉक्टर गाइड करता है डॉक्टर भी गाइड नहीं करते जो प्रोफेशनल्स है उनके थ्रू कोई डॉक्टर भी गाइड करते हैं ऐसा नहीं अभी बाहर जो अर्नोल्ड वगैरह बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स है
उनका पूरा ऐसा ये रहता था क्या क्या लिया उन्होंने उसके पास रहता था और डॉक्टर भी उनको गाइड करते थे। हाँ इंडिया में वैसा नहीं है, अभी इंडिया में लीगल नहीं है वैसा, तो वहाँ पर कैसा यहाँ पर कैसा गपचुप चलता है स्टीरॉयड का, और वो देते ट्रेनर्स बोलो या बाकी डॉक्टर्स भी कोई कोई देते स्टीरॉयड्स यूज़ करते हैं, इंजेक्टेबल भी है, टैबलेट टैबलेट मोस्ट ऑफ लोग है मतलब जनरेशन वो टैबलेट यूज़ करती है। लेकिन उससे मतलब दोनों एज कंपेयर किया तो इंजेक्टेबल सेफ, थोड़ा सेफ, ऐसा सेफ नहीं बोल सकता लेकिन थोड़ा हार्श कम है इंजेक्टेबल। ओके, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट्स बहुत सारे, साइड इफेक्ट्स बहुत ही है, जैसे कि इम्पोर्टेंस मतलब हार्ट अटैक, जैसे हार्ट डिसीज बोला, हार्ट अटैक आ सकता है कभी भी, एक्ने आता है बॉडी पे, किडनी फेल्यूर, लीवर फेल्यूर या इम्पोर्टेंस आ सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे बहुत, उससे ये भी कम बोले बहुत, इससे बहुत सारे। तो फिर क्यों लेते हैं लोग? लेते अभी दिखाने के लिए, आजकल क्या होता है, पहले इतना स्टीरॉयड का ये नहीं था, पहले कैसा यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं था, अभी यूट्यूब आया, नॉलेज लोगों को ऐसा अपने उंगलियों पे नॉलेज आ गया ना, तो उसके वजह से वो देख देख के या जो इन्फ्लुएंसर है वो भी अपना बॉडी दिखा रहे, तो आजकल के यंग जनरेशन क्या कर रहे हैं कि हाँ मेरे को भी ऐसा बॉडी बनाने का, इसके वजह से वो ले रहे बंदे। जो जो बॉडी बिल्डर है वो उनको ठीक है, या मॉडल है बॉडी बिल्डर है उनको तो लेना पड़ेगा, उनको जो उनका काम है वो करना पड़ेगा। लेकिन आजकल के कॉलेज वाले बंदे वो भी गपचुप चला रहे, यहाँ पर मुंबई साइड में ज़्यादा हो रहा है। ये कुछ हीरोज़ हैं जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज़ डालते हैं 45 डेज, 3 महीने, 2 महीने में फैट से सीधे लीन, और भी फुल बॉडी बिल्डर जैसे बॉडीज करते हैं, जैसे कि आमिर खान ने किया है दंगल में, दंगल में आपने ऋतिक रोशन को देखा होगा, उसके ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट स्टेरॉइड्स हो सकता है क्या? आपको क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? मुझे मतलब आपको क्या लग रहा है? नहीं, नहीं, वो विदाउट ये नहीं है एक्चुअली, वो यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ स्टेरॉइड यूज़ किया है, मेहनत भी उतना करना पड़ता है, डाइट भी करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत वो एज में सिक्स पैक फास्ट, इतने फास्ट है ना, नॉर्मल है नहीं, मतलब इतना इजी पॉसिबल है पॉसिबल, लेकिन इतना इजी इतना इजी नहीं है, मतलब 2-3 महीना ये टाइम ड्यूरेशन थोड़ा इम्प्रैक्टिकल। हाँ 2-3 महीने, 6 महीना भी इम्पैक्ट, आप भी डाइट करोगे, अगर डाइट करेंगे 6 महीने भी एकदम बहुत पुश पुश करके करके आपको थोड़ा बहुत किसी रिजल्ट आएगा, सिक्स पैक क्या बोल रहा है एकदम करने के लिए, मतलब इतने कट्स आने के लिए बहुत टाइम लगता ही है, क्योंकि एक बॉडी का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है, उससे ज़्यादा तो आदमी स्ट्रेच नहीं कर सकता, और वो बताते नहीं वो लोग, क्योंकि उनको पैसे बारे बोलेंगे स्टेरॉइड लेके किया है, इसलिए वो भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हाँ मैंने लिया है करके। वो बोलते हैं आमिर खान बोलता था मैं 8 घंटा वर्कआउट करता था, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, 8 घंटा थोड़ी वर्कआउट करेगा एक इंसान, 8 घंटा वर्कआउट करेगा तो खाएगा कितना? वही ना, 8 घंटा वर्कआउट फिर बाद में मतलब रेस्ट कभी करेगा, 3 चीज़ें है ना, वर्कआउट करना चाहिए, डाइट भी चाहिए और रेस्ट भी करना चाहिए, तो 8 घंटा तो पूरा वो वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, अभी एक आइडियल सिनेरियो देखते हैं कि किसी नॉर्मल आदमी को फिट रहने का, तो उसमें कितना घंटा या कितने मिनट एक्सरसाइज करना है, क्या डाइट करना है और रेस्ट कितना लेना है घंटा? नॉर्मल बंदा जो है उसको डाइट वर्कआउट पहली यूज़ तो 45 मिनट्स to 1 आवर इज इनफ वर्कआउट। ओके, उतना ही करना है, उससे ज़्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि कोई कोई लोग अभी क्या करते हैं फैट लॉस करने के लिए ज़्यादा भी कर रहे हैं वर्कआउट, जैसे 2-2 घंटा 3-3 घंटा जिम में पड़े रहते, बराबर वो गलत है, 1 आवर इज इनफ, 1 आवर 1 घंटा बस हो गया वर्कआउट, बराबर है। तो इस 1 आवर को भी हम डिवाइड कर लेते हैं कि उसमें कार्डियो कितना करना है या ज़रूरी है नहीं कार्डियो, और वेट ट्रेनिंग कितना करना है? देखो अभी जो हर एक वो भी डिपेंड रहेगा ना, हर अलग 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 बॉडी बॉडी वेट रहेगा, बॉडी टाइप अलग रहेगा, सबका वर्कआउट सेम नहीं रहेगा, बराबर है, जैसे डाइट भी सबका सेम नहीं रहेगा, रेस्ट तो सेम रहेगा, रेस्ट तो लेना है सबको, लेकिन डाइट और वर्कआउट सबका पैटर्न अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। ओके, लेकिन दोनों करना जरूरी है क्या, वर्कआउट और डाइट? नहीं, कार्डियो और वेट ट्रेनिंग। हाँ कार्डियो इम्पोर्ट, कार्डियो भी करना जरूरी है, वेट ट्रेनिंग भी करना जरूरी है, जितना अभी कार्डियो का मीनिंग पता है, कार्डियो मतलब लोग सोचते हैं सिर्फ फैट लॉस के लिए, बराबर वैसा है नहीं, कार्डियो मतलब अपने हार्ट के लिए। ओके, लोग क्या होते हैं अरे फैट लॉस हो रहा है तो करे, हाँ वो कैसा होता है फैट लॉस, लेकिन मेन चीज़ है कार्डियो का अपना हार्ट के लिए। ओके, इतना ही। और वेट ट्रेनिंग? वेट ट्रेनिंग अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने के, वेट ट्रेनिंग में भी ये रहता है डिफरेंट ये रहता है, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए अलग करते हैं, हाइपरट्रॉफी के लिए अलग करते हैं, एंड्योरेंस के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना, वो देखो अभी आपने देखा रहेगा पावर लिफ्टर्स वगैरह, वो ज़्यादा रिपीटेशन नहीं मारते, उनका रेस्ट ज़्यादा रहता है जिम में। ओके, उनका रिपीटेशन था 4-5 रिपीटेशन मारते हैं वो। ओके, और अपना नॉर्मल जो वर्कआउट कर रहे हैं हाइपरट्रॉफी कर रहे हैं मसल गेन कर रहे हैं उसका क्या रहता है 8-12 ऐसा रिपीटेशन लेते हैं वो, बराबर, तो वो अलग रहता है ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग रहता है। ओके, ऐसे तो इसमें भी बहुत अलग अलग बाइफरकेशन, हाँ वर्कआउट का भी अलग अलग है, जो आपका क्या गोल क्या है उसके ऊपर डिपेंड है, आपको
कैसा वर्कआउट करना है, कैसे करना है। और डाइट का कैसा है? डाइट का भी सेम है सीनियर। अभी एक डाइट आपको जो डाइट दी है वो डाइट दूसरे बंदे को नहीं चल सकता। आपका वेट लिया जाता है, वेट पता रहना चाहिए, आपका फैट परसेंटेज कितना है वो रहता है उसमें, उसके बाद आपका मसल मास कितना है वो हिसाब से डाइट बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको डाइट वो दिया है हाँ इसको भी सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको बाकी भी कोमॉर्बिड रहेगा मतलब कुछ हेल्थ इशू रहेगा तो भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या हेल्थ इशू है, उसके हिसाब से डाइट रहता है। ओके, और रेस्ट कितना घंटा लेना चाहिए? रेस्ट 8 घंटा तो रेस्ट रहना चाहिए सबको, सबको एक टाइम में 8 घंटा तो सोना ही चाहिए। लेडीज़ के लिए और बंदों के लिए, मतलब गाइस बॉयज़ के लिए, इन दोनों के लिए कुछ अलग टाइप के एक्सरसाइज होते हैं कि सेम ही सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं? जैसे बोला बॉडी टाइप की सबसे वर्कआउट रहता है, वर्कआउट तो सेम रहता है, ऐसा नहीं कि लेडीज़ का अलग है बॉयज़ का अलग है, ऐसा नहीं है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट वेट्स मतलब वर्कआउट की, उस हिसाब से वर्कआउट रहता है। बराबर, लेकिन सारे वो वर्कआउट सेम ही सेम रहता है, ऐसा कुछ अलग लेडीज़ के लिए अलग एंड जेंट्स के लिए अलग ऐसा नहीं रहता। और फूड में? फूड में भी सेम है, फूड में ऐसा ये नहीं है कि फूड में सेम मतलब वही जैसे कि लेडीज जेंट्स का ऐसा अलग नहीं कर सकते, जेंडर वाइज ये नहीं होगा, जेंडर वाइज डिफरेंट नहीं होगा। सिर्फ जैसे बॉडी में क्या मतलब कुछ डिसीज है कि नहीं, या फैट कितना है बॉडी में, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसे सब रहेगा। इंजरी भी इफेक्ट करती है इसमें? हाँ, इंजरी में रहता है ना, इंजरी अगर होता है तो ऑलमोस्ट उसको वर्कआउट सब नहीं जमेगा, उसका वर्कआउट थोड़ा अलग रहेगा। तो वो भी ट्रेनर उस हिसाब से देखता है। बराबर, अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर एक नॉर्मल बंदा एफोर्ड नहीं कर सकता ट्रेनर, मतलब अभी वो जो 8, 9, 10 के बंदे हैं बच्चे हैं वो तो ट्रेनर का फीस एफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको क्या आप की एक्सरसाइजेस बताएंगे कि ये करो, भले जब तक आपका एफोर्डेबल लेवल बढ़ जाता है तब तक आप एक्सरसाइज करो, तो ये क्या बता सकते हैं क्या करना चाहिए? अभी कैसा ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकता मतलब अभी जिम में सब जिम में ट्रेनर रहता है, ऐसा नहीं कि पर्सनल ट्रेनर आपको लगाना है, सब जिम में ट्रेनर रहते हैं, वो गाइड तो करते हैं, पूछोगे तो गाइड करेंगे। और हर एक जिम का ऐसा कार्ड वगैरह, पहले कार्ड रहता था, अभी ऐप भी आया जिम में कि मोबाइल पे वर्कआउट आता है, तो वो हिसाब से आप वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे कि वर्कआउट रहता है बिगिनर के लिए अलग रहता है, इंटरमीडिएट का अलग रहता है, स्टार्टिंग बिगिनर से स्टार्ट करना है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना है। बराबर है, तो उन्होंने वो फॉलो करना जरूरी फॉलो करना आजकल कुछ बंदे क्या करते हैं कि फॉलो नहीं करते, यूट्यूब देखते हैं, अरे ये बॉडी बिल्डर ये वर्कआउट कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा। अभी रिसेंटली एक आया था हमारे जिम में, एक आया था उसका बैक का इंजरी हुआ था, उसके पिताजी आए थे, तो मैं देखा था उनका वर्कआउट, उनको समझाया भी था पहले स्टार्टिंग में कि ये वर्कआउट फॉलो मत करो, जो दिया है वही करो, लेकिन वो डेडली अभी जो इंस्टा पे चलता है डेडली उठाओ, उन्होंने वो किया, फिर बैक का उसका इंजरी, एक दो महीने वो इसमें था। तो लोग इन्फ्लुएंसर्स को देख के बहुत, तो इसमें इंजुरीज भी होती हैं, तो बॉडी बनने की जगह बॉडी बिगड़ भी रही है लोगों की। हाँ वही, लेकिन कैसा अगर प्रॉपर वे में करोगे तो इंजरी नहीं होगी। अच्छा, अभी मैं भी बहुत अभी 13 एज था तब से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, 13-14 से मेरे को माइनर इंजरी हुआ है, लेकिन ऐसा मेजर इंजरी तो नहीं हुआ है, क्योंकि प्रॉपर वे गाइडेंस में वर्कआउट किया था, इसकी वजह से वो इंजरी ऐसा नहीं होता है। बराबर है, अगर किसी को एक नॉर्मल बॉडी बनानी है, जैसे समझो मुझे ही बनानी है, तो क्या क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो कि हार्मफुल भी ना हो और अफोर्डेबल भी हो, एक नॉर्मल आदमी को जो जिम जाता है एक्सरसाइज करता है, क्या क्या सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है? सप्लीमेंट में प्रोटीन, अगर उसका डाइट से प्रोटीन जा रहा है तो प्रोटीन की जरूरत नहीं है, प्रोटीन पाउडर पाउडर लेकिन उसका डाइट से अगर जा रहा है प्रोटीन जितना रिक्वायरमेंट है उतना जा रहा है तो उसकी भी जरूरत नहीं। तो कितना रिक्वायरमेंट है कैसे समझ में? वन के अब नॉर्मल देखो, 1 kg के वर्कआउट जो अच्छा कर रहा है उसको 1 kg से मतलब जितना kg वेट है उससे डबल डबल आना चाहिए, मतलब वर्कआउट अच्छा कर रहा है। मेरा वेट 80 किलो है, हाँ तो आपको 160 नहीं लेकिन आपको उतना वर्कआउट नहीं है ना। हाँ, अभी मेरा वेट है, मेरा वेट सेम है, आपका और मेरा वेट सेम है, मेरा भी 82 ऐसा है, तो मेरा मैं ले रहा हूँ 150 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ 150 ग्राम। हाँ, तो यानी कि 80 किलो है तो उसी के इक्विवेलेंट आप प्रोटीन लेने चाहिए, लेकिन डिपेंड है कि कितना मतलब कितना उसका वर्कआउट कितना है उसके ऊपर। अगर कोई बंदा कुछ वर्कआउट ही नहीं कर रहा है और 80 उसका वेट है और वो डबल ले रहा है या कुछ ज़्यादा प्रोटीन ले रहा है तो भी वो हार्मफुल है ना। अच्छा, ऐसा है तो वर्कआउट के हिसाब से उसने प्रोटीन लेना है डबल। लेकिन अभी मुझे कैसे समझेगा कि 180 kg प्रोटीन लिया है, वो कैसे समझेगा? वही कैलकुलेशन, वही तो कैलकुलेट करना है। अभी एग्स में कितना है वो भी आपको पता होना चाहिए, एक एग में कितना है, योल्क में कितना है, एक एक में 6 ग्राम रहता है, चिकन में कितना है, सब चीज़ का अलग अलग प्रोटीन वैल्यू रहता है, वो आपको पता रहना चाहिए कितना है करके, कैलकुलेशन से करना चाहिए। और प्रोटीन पाउडर क्यों फिर बॉडी बिल्डर्स लेते हैं? बॉडी बिल्डर्स उनको तो लेना पड़ेगा, उनको इतना हाई चाहिए मतलब उसका हाई प्रोटीन जाना चाहिए बॉडी में।
लेकिन जनरल पब्लिक भी लेते हैं प्रोटीन पाउडर, क्योंकि उनका डाइट से होता ही नहीं है प्रोटीन अभी, वेज में कम सोर्सेस है भी, वो कार्ब्स के साथ है, मतलब प्रोटीन भी है और कार्ब्स ही है, तो उससे जब प्रोटीन पाउडर अच्छा है, मतलब वो हिसाब से देखा जाए तो। ओके, तो आपने अभी वेज नॉन वेज की बात की, तो वेजिटेरियंस को प्रोटीन्स के क्या सोर्स हैं? पनीर है, टोफू है, यही दो नहीं, मूंग है, अच्छा दाल में, लेकिन इतना उसमें कैसे वो प्रोटीन के साथ उसमें कार्ब्स ही आ रहा है, मतलब सिर्फ प्रोटीन, लीन प्रोटीन नहीं आ रहा है, जैसे अंडा हो गया एक वाइट लिया आपने तो पूरा प्रोटीन ही आ रहा है, चिकन में भी प्रोटीन और थोड़ा फैट आ रहा है, हाँ तो उसमें से कैसे कार्ब्स ज़्यादा, पनीर में भी कार्ब्स ज़्यादा है, फैट भी है, अगर ऐसा है तो वेज लोगों को बॉडी बिल्ड करना मुश्किल होता है, थोड़ा बहुत रहेगा, इतना नहीं करते ऐसा ये नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उनका डाइट में थोड़ा ये करना पड़ेगा उनका उनको। हाँ तो फिर प्रोटीन पाउडर तो एक सप्लीमेंट बोला होता है, और दूसरे क्या लेने चाहिए फिर? बेसिक में प्रोटीन पाउडर ठीक है, हाँ। अगर और आगे बंदा बढ़ता है तो हाँ। क्रिएटिन भी ठीक है, हाँ। क्रिएटिन ओके, क्रिएटिन अच्छा, मतलब जो एंड स्ट्रेंथ उसको ज़्यादा बढ़ाना है तो क्रिएटिन अच्छा ये करता है, ओके, एनर्जी एक्स्ट्रा देता है क्रिएटिन से, दो सप्लीमेंट तो ठीक है स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं बस, और बाकी जो है फिश ऑयल वगैरह, फिश ऑयल जो कैप्सूल्स आते हैं फिश ऑयल के, वो भी वो ले सकते हैं प्रोटीन। अच्छा, किसी नॉर्मल आदमी को जिसे हेल्दी जीना है और बहुत वेट कैलकुलेट करके, फूड कैलकुलेट करके खाना नहीं है समझो, हाँ। तो उसका नॉर्मल रूटीन जिम गोअर का, जैसे क्योंकि हम देखते हैं जिम में से 1000 लोग जाते हैं तो उसमें से हार्डली 10 लोगों की बॉडी शर्ट के ऊपर से दिखती है, विजुअली दिखती है, बाकी सब तो जाते हैं लेकिन दिखती नहीं है, तो उन लोगों के लिए आप डाइट क्या सजेस्ट करते हैं सुबह से शाम तक? सुबह से शाम तक देखो डाइट ऐसा सजेस्ट, मतलब आपको जैसे बोला डाइट हर एक का बॉडी के ऊपर डिपेंड रहेगा डाइट कैसा है, लेकिन हर एक डाइट में तुमको सब सब चाहिए, मतलब फैट कार्ब भी चाहिए, फैट भी चाहिए और प्रोटीन इंटेक हर एक डाइट में चाहिए। बराबर, जैसे सुबह अगर उठते हो तो उसमें जो पहला नाश्ता रहेगा, हाँ। सुबह ज़्यादा चाहिए ना, मतलब सुबह अभी बॉडी थकी रहती, मतलब कुछ गाय नहीं रहता बॉडी में, तो सुबह खाना ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट अच्छा हेल्दी होना चाहिए, मतलब पूरा वर्कआउट के पहले करना चाहिए कि बाद में? पहले स्टार्टिंग में, जब अभी टाइम भी डिपेंड है, टाइम कभी वर्कआउट करे वो डिपेंड है, हाँ। अभी तुरंत सुबह 6 बजे वर्कआउट आप कर रहे हो, हाँ। तो खा के तुरंत वर्कआउट को नहीं जा सकते ना, ऊपर आएगा वो, हाँ। तो 30 मिनट्स गैप रखना चाहिए उसमें, आधा घंटा एक घंटा का जितना रहेगा, खाने के 30 मिनट्स बाद आपको वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन वो भी हेवी नहीं खाना है स्टार्टिंग, सुबह उठ के तो हेवी नहीं खाना है, एप्पल खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो थोड़ा बहुत, उसके बाद वर्कआउट को जा सकते हो 30 मिनट्स। ओके, ऐसा है। फिर अभी वर्कआउट में क्या प्री वर्कआउट कुछ ड्रिंक? प्री वर्कआउट कॉफ़ी ठीक है, कॉफ़ी, लेकिन नहीं होता तो भी ठीक है, नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं, कॉफ़ी भी पी सकते हो प्री वर्कआउट, बाद में वर्कआउट करने के बाद जो भी हो नाश्ता वापस कर सकते हो, जो भी मतलब पोस्ट वर्कआउट डाइट है वो नहीं चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट विद कार्ब्स, ओके, विद फैट भी, आफ्टरनून का जो लंच है वो थोड़ा नॉर्मल थोड़ा कम रहेगा, लाइट रखना है, रात का एकदम ही लाइट रखना है, सलाद ज़्यादा यूज़ करना है सारे वर्कआउट में, हाँ। और जो वर्कआउट करते समय क्या कोई ड्रिंक लेना चाहिए कि बाद में लेना चाहिए? प्रोटीन पाउडर कब लेना चाहिए? प्रोटीन पाउडर इसके वर्कआउट के बाद लेना चाहिए, जस्ट बाद में, हाँ जस्ट बाद में लिया चलिए, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि तुरंत लेना ही है ऐसा, हाँ। भाग के ऐसा पहले प्रोटीन मिलना ऐसा, हाँ। जरूरी नहीं है, हाँ। बाद में भी ले सकते हैं ऐसा कोई नहीं, लेकिन तुरंत लगे तो एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी ज़्यादा बॉडी को रिक्वायरमेंट रहता है, कैटाबॉलिक स्टेट में बॉडी चला जाता है ना उसमें वर्कआउट के बाद, और जब उठते हैं तभी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। आदित्य, लेकिन एक जो बच्चा 10th 11th में होता है उनके पास पैसे तो बहुत होते नहीं है, तो उन बच्चों ने कैसा अपना रूटीन रखना चाहिए ताकि बाद में जाके वो हैंडसम नौजवान बने? ओके ओके, तो उन्हें कैसा रूटीन, जैसे कि वो सुबह उठ के जिम में जाए, पहले तो जिम में जाना चाहिए, 7 जैसे कि 7 बजे उठ रहे हो, उसके बाद पहले उनको प्री वर्कआउट जो डाइट रहता है खा के जाना चाहिए, वर्कआउट को एम्प्टी स्टमक नहीं जाना चाहिए, खा के जैसे कि बनाना खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, ओट्स भी ले सकते हैं, लेकिन 30 मिनट्स के बाद 30-45 मिनट्स के बाद वर्कआउट को जाए। ओके, स्टार्टिंग में तो एकदम बेसिक वर्कआउट करे उन्होंने, स्टार्टिंग कर रहे तो बेसिक वर्कआउट से स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुरंत आके वेट उठा के मारना, ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग जो बेसिक वर्कआउट रहते बेसिक जैसे कि फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, स्ट्रेंथ आ जाए, कार्डियो भी उसके साथ करना है उनको, कार्डियो करना है, फुल बॉडी करना है, धीरे धीरे उनका वर्कआउट चेंज होगा पैटर्न। ओके, और वर्कआउट के बाद में डाइट जो रखना है, डाइट में भी प्रोटीन उनको ज़रूरी है, डाइट में इनटेक जैसे कि अभी BCAA जो बोलते हैं BCAA उसका ज़रूरत नहीं है ड्यूरिंग वर्कआउट, जो बोलते हैं BCAA लेना है, BCAA अपना ब्रांच चेन अमीनो एसिड रहता है जो कि ऑलरेडी प्रोटीन में रहता है, पाउडर में रहता है, अमीनो एसिड्स मतलब वही प्रोटीन का फॉर्म रहता है, अमीनो एसिड्स प्रोटीन अपने बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं अमीनो एसिड्स में, तो अमीनो एसिड ऑलरेडी रहता है बॉडी में, मतलब प्रोटीन में,
तो वो एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, वो एक मार्केटिंग गिमिक है, इसलिए वो BCAA बना है कि ड्यूरिंग वर्कआउट ये लो, लोग ऐसे वर्कआउट ड्यूरिंग वर्कआउट चालू रहता है उनका पीना पीना, वो सिर्फ एनर्जी थोड़ा बहुत देता है, थोड़ा बहुत लगता है ऐसा पिया ऐसे, लेकिन वो बाकी कुछ भी ड्रिंक पियोगे तो भी वैसा ही लगेगा आपको, मतलब पानी भी पियोगे तो भी पानी, मतलब जूस पियोगे दूसरा कोई भी वैसा ही लगेगा, हाँ ऐसा पावर आ रहा है करके ऐसा, तो उसका जरूरत ना मेंटली वो प्रिपेयर किया कि हाँ BCAA लेना है आपको, ये लेना है वो लेना, पहले किधर था, पहले BCAA नहीं था, ना प्रोटीन लेते थे, ना क्रिएटिन भी नहीं था पहले स्टार्टिंग में, क्रिएटिन से लोग डरते थे, क्रिएटिन अरे किडनी फेल होगा ऐसा होगा हमारे टाइम में, तो क्रिएटिन लेना चाहिए क्या? क्रिएटिन ले सकते हैं, मतलब एक सेफ इसमें ले सकते हैं, बिगिनर नहीं ले सकता, बिगिनर के साथ बिगिनर जो स्टार्ट करेगा उसको पहले स्टार्टिंग में छः से आठ महीना तक उसको नॉर्मल ट्रेन करना है और खुद का स्ट्रेंथ पहले बढ़ाना है, प्रॉपर फॉर्म सीखना है, उसके बाद उसने क्रिएटिन चालू कर सकते हैं, वो भी गाइडेंस पे ट्रेनर को पूछे क्या किसी से गाइड लेके वो कर सकते हैं। ओके ऐसा, और क्रिएटिन कब लेना चाहिए? क्रिएटिन आफ्टर वर्कआउट क्रिएटिन लेना है। ओके, कैटाबॉलिक स्टेट में बॉडी जब भी रहता है मॉर्निंग में भी ले सकते हैं या आफ्टर वर्कआउट ले सकते हैं क्रिएटिन। ओके, तो वर्कआउट के बाद फिर? वर्कआउट के बाद फिर बाद में जो डाइट है जैसे कि एग्स खाओ, टोफू खाओ, पनीर खाओ, जितना ज़्यादा प्रोटीन जाए उतना ठीक है, मतलब ज़्यादा मतलब नॉर्मल वे में, एकदम भी तुरंत चालू नहीं करना, 10-10 अंडा नहीं खाना है हर के बॉडी के हिसाब से, जैसे कि वेट 50 किलो है उसका, तो वो 2-3 अंडा स्टार्ट कर सकता है स्टार्टिंग में, होल एग 2 खा सकता है, 2 खा लो पहले, डाइजेशन कर रहा है कैसा हो रहा है वो देखना पड़ेगा पहले, हर एक डाइजेशन अलग रहता है, सेम तो डाइजेशन रहेगा नहीं, बराबर है, तो डाइजेशन के हिसाब से डाइजेस्ट चेक करो कि डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, और ऐसे हिसाब से खाओ, बाद में प्रोटीन, बाद में उसके बाद जा रहे हो काम पे, काम पे जाओ या कॉलेज में जा रहे हो उसके बाद आप कैरी करो डब्बा, मतलब एक ज़्यादा गैप मत करो खाने के बाद, अभी 3 घंटे के बाद में वापस कुछ ना कुछ डाइट में ले लो, जैसे हेल्दी स्नैक हो गया, मतलब कॉलेज में अगर मिल रहा है बाहर खा रहे तो पनीर वगैरह या कैरी कर सकते, मैं तो अंडा कैरी कर सकते हैं, चपाती अंडा चपाती भी खा सकते, ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते, उनको कोई ऑप्शन नहीं है कि अरे यही खाओ ऐसा, चपाती अंडा या राइस भी खा सकते, ऐसा नहीं कि राइस नहीं खाना चाहिए, राइस खा सकते, राइस अंडा या पनीर तोफू रहेगा या मूंग ऐसा सब्जी ऐड कर सकते हो, वेज ऐड कर सकते हो, सलाद भी ऐड कर सकते हो उसमें, उसके बाद थोड़े गैप में शाम को स्नैक्स में ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो सकता है, मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स खाते हो आफ्टर वर्कआउट, या मॉर्निंग जब उठते तो भी खा सकते हो, आलमंड्स हो गया अपना, वॉलनट हो गया वो खा सकते हो शाम को भी ऐसा, और रात को बाद में जो भी खाना है वो खा सकते हो, जो यंग स्टार्टिंग में कर रहे हो मतलब घर में जो बनता है वो खा सकते हो, सडन डाइट चेंज मत करो ऐसा, सडन एकदम क्या इसका डाइट देखा मैंने और चेंज किया, अप्लाई किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो डाइट घर पे जो खाना, पहले लोग घर पे खाना मतलब खा के ही कर रहे थे बॉडी, ऐसा नहीं कि उन्होंने ये खाया मतलब रात को कुछ बाहर का लाके, नॉर्मल डाइट से भी होता है वर्कआउट, मतलब डाइट से बॉडी बनता है ऐसा कि। तो इसमें सप्लीमेंट्स क्या लेने चाहिए गोली के हिसाब से? सप्लीमेंट देखो, सप्लीमेंट आपको वे प्रोटीन ठीक है, क्रिएटिन ठीक है, और क्रिएटिन ले सकते हैं स्टार्टिंग में नहीं, क्रिएटिन आपको बोला जैसे कि 6-8 महीने बाद क्रिएटिन चालू कर सकते हैं, प्रोटीन स्टार्टिंग में चालू कर सकते हैं, वो भी डाइट पहले प्रॉपर करो, नहीं तो प्रोटीन लेके कुछ मतलब नहीं है, प्रोटीन लोगे आप और डाइट ही प्रॉपर नहीं रहेगा तो कुछ मतलब, बाहर का जंक पूरा बंद करना है, जंक फूड बंद करना है, पैक फूड जो है पैकिंग फूड रहता है, बिस्किट्स वगैरह सब बंद कर दो, मैदा बंद रखना है, शुगर नहीं खाना है, शुगर मतलब कम करना है, ज़्यादा भी पूरा बंद ही करना है लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा कम कर दो और बंद कर दो, शुगर नमक थोड़ा कम रखना है ऐसा। और नींद के बारे में? नींद के बारे में नींद तो होना चाहिए, 7-8 घंटा तो नींद रहना चाहिए, आजकल नहीं होता किसी का लेकिन वो ज़रूरी है, मेरा भी नींद नहीं होता, 5-6 घंटे होता है लेकिन सबको नींद का ज़रूरत है वैसे, जी 8 घंटा तो मिनिमम सोना चाहिए। लेकिन सोने से बॉडी बिल्डिंग का क्या संबंध है? रेस्ट उतना देखो, अभी हम लोग जो वर्कआउट करते हैं वो मसल ब्रेक करते हैं, मसल ब्रेक डाउन रहता है, मसल ब्रेक किया उसके उसको डाइट दिया खुराक दिया तो रिकवर होने के लिए उसको रेस्ट चाहिए ना, तो रेस्ट से वो रिकवर होता है मसल, ऐसा डाइट से और रेस्ट से वो रिकवर होगा मसल, ऐसा नहीं सिर्फ वर्कआउट किया तो बॉडी बनेगा ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम कितना भी वर्कआउट करो डाइट और ये नहीं रखोगे रेस्ट नहीं रहेगा तो बॉडी बनेगा ही नहीं। ओके, और उसमें मसाज वगैरह कितना पार्ट प्ले करता है? मसाज भी आपको करना है, मसाज अच्छा रोल प्ले करता है, मसाज क्या करता है पूरा जो मतलब अभी वर्कआउट करके पूरा बॉडी स्टिफ हो जाता है तो मसल रिलैक्सिंग का काम मसाज करता है, तो मसाज भी आपको करना है वंस इन अ मंथ, तो मसाज लेना ही आपको, डीप टिश्यू मसाज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स है वो नहीं करे तो ठीक है 5-6 महीने के बाद कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो वर्कआउट एकदम इंटेंस वर्कआउट करने चालू करते हैं तो डीप टिश्यू और मसाज वंस इन अ मंथ कर सकते हैं। ओके, अभी आपने यंगस्टर्स के लिए बोला, अभी जो बंदे 40s में हैं जैसे मैं हूँ तो अगर मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है इस वक्त तो पहले तो क्या वो सही है कि गलत है?
बॉडी बिल्डिंग देखो, बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो लेकिन उसके लिए टाइम जाएगा, आपको पहले नेचुरली जाना पड़ेगा, मतलब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करना है तो पहले नेचुरली खींचना पड़ेगा। मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बॉडी बनाना है। बॉडी बनाना है तो सही है, तो ऐसा कोई नहीं है, अगर नॉर्मल बॉडी बनाना है तो आप कर सकते हो, ऐसा कि नहीं है कि नहीं कर सकते। जितना टाइम यंग एज में लगेगा उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन होगा ऐसा है। अभी यंग एज में बॉडी रिस्पॉन्ड अच्छा करती है स्टार्टिंग में, उतना अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहता है और बॉडी सब रिकवरी अच्छा होता है, फास्ट होता है। एक एज के बाद 35-40 के बाद रिकवरी थोड़ा स्लो होता है बॉडी का, तो इसलिए वो तो होगा बॉडी उसके वो टाइम, लेकिन स्लो होगा। तो क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए 40s में? 40s में आप कैल्शियम डॉक्टर को पूछ के कैल्शियम और क्या रेंज, आप कैल्शियम ले सकते हो, क्रिएटिन भी यूज़ कर सकते हो अगर वर्कआउट अच्छा कर रहे हो तो, क्रिएटिन यूज़ कर सकते हो, प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, तीन चीज़ें तो आपको लेना है, फिश ऑयल लेके फिश ऑयल कर सकते हो। और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए? टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक बहुत सारे मेडिसिन है, आयुर्वेदिक में देखा जाए तो जैसे कि शिलाजीत है, सफ़ेद मूसली है, शतावरी है, गोक्षुरा है, ऐसे नेचुरल बहुत वे है जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है। तो ये टैबलेट चालू कर सकते हैं अश्वगंधा, वो भी डॉक्टर को, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट, मतलब अचानक सब चालू करोगे तो आयुर्वेदिक है लेकिन नॉर्मल एक साथ सब चालू कर नहीं सकते। ओके हाँ, तो भी गाइडेंस के हिसाब से आपको वो चालू करना है। बराबर है आदित्य सर, ये स्टीरॉयड्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली बॉडी पे क्या इफेक्ट करते हैं? स्टीरॉयड्स एक्चुअली आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, मोस्ट ऑफ स्टीरॉयड टेस्टोस्टेरोन बेस होते हैं, जो अपना मेल हार्मोन रहता है जो टेस्टिकल में तैयार होता है। तो लेडी बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं? हाँ, वो भी यूज करते हैं टेस्टोस्टेरोन ही यूज करते हैं। देखो अभी मेल हार्मोन है लेकिन लेडीज के बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन होता है क्या? थोड़ा होता है तो हमारे में थोड़ा ज्यादा होता है, ये नेचुरली बोल रहे हो, नेचुरली हमारे में ज़्यादा रहता है, लेडीज़ में थोड़ा कम रहता है। ओके तो हम लोग जो इंजेक्ट करते हैं तभी हमारा ऐसा जो नेचुरल प्रोसेस रहता है टेस्टोस्टेरोन बनने का वो शट डाउन रहता है इंजेक्ट करने के बाद या टैबलेट खाने के बाद जो भी करें। ओके मतलब नेचुरली आपका कुछ चालू नहीं रहेगा टेस्टोस्टेरोन, तो आप बाहर से ले रहे हो बॉडी में, तो ऐसा बाहर से ले रहे हो मतलब बाहर से ज़्यादा आ रहा है ना बॉडी में, तो उतना ज़्यादा मसल बिल्ड करेगा। ओके जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन उतना ज़्यादा मसल, उतना कम फैट बॉडी में, फैट उतना कम होता जाएगा ऐसा है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं टेस्टोस्टेरोन अब्यूज़ करते, ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं। ओके ऐसा है। तो ये जो साइकिल होता है वो कैसे होता है? साइकिल डिपेंड है, जैसे कि ये बल्किंग साइकिल रहता है, कटिंग साइकिल रहता है, मतलब दोनों में फर्क क्या है? फर्क रहता है, फर्क में क्या रहता है सीन, बॉडी बिल्डिंग का बॉडी बिल्डर लोग का अलग रहता है साइकिल, फिटनेस मॉडल अलग साइकिल लेंगे, जो नॉर्मल मॉडल है वो अलग। ठीक है, अभी बल्किंग साइकिल समझाइए। बल्किंग साइकिल में क्या रहेगा पूरा डिटेल में नहीं समझा सकता क्योंकि गलत लगे, लेकिन उसमें बल्किंग साइकिल में इंजेक्टेबल यूज़ करते हैं बहुत सारे, जैसे कि डेक्का रहता है अपना इनेंटेड रहता है टेस्ट में, डेक्का बोल्डी ऐसे बहुत सारे इंजेक्टेबल रहते हैं। ये इंजेक्शन के नाम है, टैबलेट्स में भी जैसे कि डायनाबोल होता है और बाकी भी टैबलेट्स है जो यूज़ करते हैं इसमें गेनिंग में। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आता, हमारा हाथ ऐसा है तो जब बल्क होता है तो सिर्फ मसल बढ़ता है कि हड्डियाँ भी बढ़ती हैं? हड्डियाँ नहीं बढ़ती है, मसल जो बोन डेंसिटी थोड़ा बढ़ता है, बोन डेंसिटी बोल डेंसिटी उसका थोड़ा अच्छा होता है और मसल भी बढ़ता है ऐसा है। मसल मेन काम, मसल क्या करेगा, मसल आपका बढ़ेगा आपके बॉडी में फैट कम करता रहेगा ऐसा। ओके बल्किंग में भी जो स्टेरॉइड यूज करते ना वो भी आपका बल्क, मतलब ऐसा पेट भी आगे नहीं करेगा, बल्क करेगा थोड़ा फैट बढ़ेगा लेकिन मसल मास थोड़ा बढ़ेगा। और कटिंग में भी सेम है, जैसे कि कटिंग में बहुत सारे स्टेरॉइड यूज करते हैं, ट्रेन यूज करते हैं, प्रोपनेट यूज करते हैं, स्टैना यूज करते हैं, तो जो स्टेरॉइड्स है वो कटिंग में यूज करते हैं, वो मसल मास आपका मतलब जब कटिंग में होता है डाइट कम रखते हैं, मतलब प्रोटीन इंटेक रहता है लेकिन बाकी सब डाइट में काब्स वगैरह कम रहते हैं, तो मसल लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो जब इंजेक्टेबल यूज़ करते हैं तभी वो मसल लॉस नहीं होता है, उल्टा मसल गेन करेगा। ओके ऐसा है, तो उस हिसाब से कटिंग करते हैं। हाँ उस हिसाब तो इस हिसाब से ये पूरा साइकिल कितने महीने का होता है? अभी कटिंग का लोग क्या करते हैं, 3 महीने कटिंग का करते हैं, 3 महीने गेनिंग का करते हैं, पहले गेनिंग का करते हैं बाद में कटिंग का करते हैं, ऐसा साइकिल करते हैं। और वो इंजेक्शन कितने दिनों में लेना पड़ता है? वो फ्रीक्वेंसी आपको हफ्ते में डिपेंड है क्या कितना ये बॉडी पे, अभी इंजेक्शन सबका तो डोसेज सेम नहीं रहता है, जो इंजेक्टेबल रहता है वो हर एक का डोसेज अलग अलग रहता है, हर एक का जो कंपाउंड रहता है ड्रग अपना स्टेरॉइड रहता है उसका हाफ लाइफ अलग अलग रहता है, तो इस हिसाब से वो इंजेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि कोई कोई लोग रोज भी इंजेक्ट करना पड़ता है, रोज एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज इंजेक्ट करते हैं। तो अगर आपने इंजेक्शन कर लिया ले लिया और आपने एक्सरसाइज नहीं किया
तो उसका कुछ साइड इफेक्ट होता है क्या? हाँ ना, फिर इंजेक्टेबल अभी आपको अंदर आप में पावर आ रहा है टेस्टोस्टेरोन, साइड मतलब यूज यही किया नहीं तो बहुत सारा साइड इफेक्ट है, जैसे गायनेको मस्टिया, जैसे मैंने पहले ही बोला था गाय अपना स्टेरॉइड के साइड पे, जैसे एक्ने आता है अपना, मूड स्विंग्स तो होता ही है, ऐसा बहुत सारा साइड इफेक्ट से उसका हो जाता है। वर्कआउट के साथ स्टेरॉइड के साथ आपको वर्कआउट तो करना ही है, और ऐसा नहीं कि आपको स्टेरॉइड लिया मतलब बॉडी बन जाएगा, ऐसा भी चीज़ नहीं है, उसके लिए डाइट भी रखना चाहिए और रेस्ट भी चाहिए। बराबर, मेरे पहचान में बहुत सारे जन हैं जो भी स्टेरॉइड यूज़ करते हैं लेकिन उनका बॉडी ऐसा, आप नहीं देख के बोलोगे नहीं क्या कि ये बंदा स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है कि नहीं, मतलब पता नहीं चलेगा इसका बॉडी स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है, क्योंकि बॉडी देख के समझता है कि क्योंकि उसने डाइट नहीं किया है। डाइट करेगा तो स्टेरॉइड काम करेगा और वर्कआउट भी उतना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो मैजिक नहीं है कि अरे हाँ स्टेरॉइड यूज़ किया तो बॉडी बन गया, ऐसा भी नहीं है, उसके लिए भी आपको। तो इसमें खर्चा कितना आता है स्टेरॉइड्स में? डिपेंड है स्टेरॉइड्स में, कैसा है आपका साइकिल, एक साइकिल का खर्चा कम से कम आपको एक महीने का खर्चा ना साइकिल का, मान लो साइकिल का 15-20 हज़ार रुपये कम से कम। ओके, हाँ 15-20 हज़ार टोटल खर्चा आता है महीने का, 15,000 पकड़ो स्टफ अगर अलग यूज़ किया तो कम भी 10,000 में भी कर सकते, लेकिन 15-20 हज़ार रुपये खर्चा आता है साइकिल का। ओके, ऐसा है वन मंथ। तो ये सब स्टीरोइड्स सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को लेना चाहिए कि कोई भी नॉर्मल आदमी ले सकता है? नहीं नहीं, नॉर्मल इंसान ने तो यूज़ करना नहीं चाहिए स्टेरॉइड, मैं तो बोलूँ बॉडी बिल्डर जो जिसका फील्ड है, जिसको ज़रूरत है, जिसको स्टेज पे कम्पीट करना है, या मॉडल है कोई, मॉडल लोग तो भी यूज़ करते हैं, एक्टर्स भी यूज़ करते हैं, उन्होंने यूज़ करना चाहिए, वो भी जो यूज़ करे वो गाइडेंस के साथ यूज़ करे। okay. ऐसा नहीं कि ये आगे ये बंदा बोल रहा है, इन्फ्लुएंसर बोल रहा है, यूट्यूब पे बता रहा है कि अरे ये यूज़ करो, अभी मैं भी बोला कि गेम में ये यूज़ करना है, आके इंजेक्ट नहीं करना है, ये डॉक्टर के पास वो लेना नहीं है किसी के पास, वो एक प्रॉपर वे में गाइडेंस में हर एक का डोज अलग रहेगा, जो उसके बॉडी में सूट हो रहा है वो आपको सूट नहीं करेगा, डिपेंड है हर एक अलग अलग रहता है ना, तो उस हिसाब से आपको करना है। और मैं तो कहूँगा कि जो यंग जो जनरेशन अभी इन्फ्लुएंसर को देख के या बॉडी बिल्डर को देख के कुछ शॉर्टकट मारने का जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, उन्हें स्टेरॉइड यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बोलते बहुत कम बता रहा हूँ लेकिन बहुत है उसके साइड इफेक्ट। तो बॉडी बिल्डिंग एक्चुअली फास्ट चीज़ है ही नहीं आपका बोलना, वो एक लाइफस्टाइल ही है पूरी तरह, एक्चुअली लाइफस्टाइल है। एक्चुअली अभी आप बॉडी बिल्डर्स देखोगे, जैसे कि आपने इंडियन बॉडी बिल्डर्स भी है, संग्राम सोगले, सुहास कामकर सर, और ये अपना हाँ सुहास कामकर सर, वो लोग पहले से वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने अभी चालू किया और तुरंत इंजेक्शन लिया और वो ऐसा बॉडी बिल्डिंग ऐसा कुछ है ही नहीं। okay. वो पहले से वर्कआउट करते ही करते धीरे 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 आगे बढ़े, बाद में उन्होंने यूज़ किया है जो भी यूज़ किया है वो। okay. ऐसा नहीं कि अभी चालू किया अभी हाँ उतरना कॉम्पिटिशन लिया, ऐसा नहीं है। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू आदित्य सर कि आपने यंगस्टर्स को ये बताया कि कैसे बॉडी बिल्डिंग में कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज, रेस्ट और फूड, रादर देन गोइंग फॉर शॉर्टकट्स जैसे स्टीरोइड्स या बाकी सब। तो इसके लिए शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आप भी अगले कॉम्पिटिशन में जीतें जिसमें आप पार्ट ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।